नमो सिद्धार्णम नमो आयिरीयाणम नमो अज्जायाणम नमो लोये सव साहूरम जीवमो जीवम दवम जिनवर वसहेण जीर्णीदिट्ठम देविन्दुविन्दुवन्दम वंदे तम सर्वदा सिरसा नमो अरियन्ताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिरीयाणम नमो अज्जायाणम नमो लोये सव साहूरम अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की देवादि देवी कजरा श्री आदिनाथ भगवान की अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की आचार्य प्रवर भगवान नेमी चंद्र सिद्धांति देव की आचार्य प्रवर भगवत ब्रह्मदेव सूर्य की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिं समय विश्व धर्म की भव्य बंधु तत्वों के यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए आचार्य प्रवर भगवन नेमी चंद्र सिद्धांति देव द्रव्य संग्रह ग्रंथ का सृजन कर रहे हैं। चित्त है नितिन पेपर पढ़ते हो दुश्रुति है महाभारत रामायण दुश्रुति है भाई जी पेपर में होता क्या है राजकथा चोर कथा बैर कथा और स्त्री कथा इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्यों मधुर क्या मिलता है? भाजपा ने वहां धरना किया कांग्रेस की वहां पार्टी बनी आगामी चुनाव जीते कोई हारे कोई और पाप करो कोई। बोलो भाई जी चुनाव के पहले हर जगह एक ही बात थी हर जगह मोदी और पप्पू क्या था? बस लोग उसी में लगे हैं। क्यों सहज सागर जी हैं सब उसी में लगे हैं भी कथा नितिन भी कथा पेपर श्रावक को नहीं पढ़ना चाहिए महाराजों को तो दूर की बात है। हमें तो एक बात समझ में नहीं आती भाई जी पेपर पढ़ने का समय कैसे मिल जाता है? सहज सागर जी आपके हाथ में जो जिनवाणी है ये पढ़ लो आप इतना ही समय नहीं मिल रहा आपको तो सब पेपर कैसे पढ़ लेते लोग समझ में नहीं आता हमारे लिए। मधुर पेपर कैसे पढ़ लेते समय ही नहीं है भाई जी आप तो देख रहे हो ना कैसे सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चल रहा जबकि अपन जिनवाणी में लगे हैं। अपनी अलमारी खोली है भाई जी जिसको जो देखना सो देख ले है क्या जिनवाणी दुश्रुति नहीं ना ओसो ना उपनिषद अभी कुछ नहीं क्यों पहले स्व समय का अध्ययन फिर पर समय का अध्ययन अभी सैक्ष हैं भाई जी अभी पहले सात तत्वों के यथार्थ रूप के सिद्धांत को ग्रहण करना है। कहीं कमजोर सिद्धांत हो गया और तुमने दुश्रुति पढ़ ली
गए काम से। भाई जी, हमने भी बहुत प्रवचन सुने, हमसे ज्यादा माँ आप लोगों ने प्रवचन सुने हैं। फिर मालूम चल जाता है कि कौन से सीरियल की कथा सुना रहे महाराज जी, या फिर इनने कौन सी मैगजीन या पेपर पढ़ के आए। बोलो भाई जी, मालूम चलता कि नहीं है? बस पेपर पढ़ेंगे नितिन, सुबी कथा पढ़ोगे सुबी कथा निकलेगी, जिनवाणी पढ़ोगे सो जिन वाणी निकलेगी, जिसके मटके में जो भरा होगा वो वही देगा। सुन रहे मधुर, जिसके मटके में जो भरा होगा उसके मटके से तो वो ही निकलेगा भाई जी, सत्य है। इसलिए अतिशय भाई कहां बैठे हो, सुन भाई, पेपर कभी पढ़ना नहीं, ये मत सोचना कि सामान्य ज्ञान कैसे होगा। हम सामान्य ज्ञान करने के लिए इस मोक्ष मार्ग में आए ही नहीं हैं, हम तो विशेष ज्ञान के लिए ही आए। सुन रहे भाई जी, पेपर देने का त्याग है आपका महाराजों को, पक्का नियम है? नहीं, साधुओं को पेपर नहीं देंगे माँ, न माता जी को न महाराज जी को। जो पढ़ते हैं ना, अब तुम दुनिया की बातें कर लो नितिन, लेकिन भाई बी कथा ही है। पेपर पढ़ना नहीं चाहिए, इन्हें नहीं चाहिए, प्रमाद चर्या है, बी कथा में लीनता है। नितिन तुम नियम ले सकते क्या, कभी साधु और माता जी को पेपर नहीं देंगे, ब्रह्मचारी भैया भी हो तो पेपर मत देना, त्यागी व्रतियों को पेपर देने ही नहीं, आप बी कथा में मत रहो। बोलना नहीं है, तुम्हारा नियम है भैया, हमारा त्याग है, हम आपको नहीं देंगे, ये हमारा गुरु से नियम है। सहयोग करोगे अगर आप तो वो नीचे गिरेंगे, सहयोग नहीं करोगे तो क्यों गिरेंगे। तुमने नहीं दोगे पेपर तो वो क्या पढ़ेंगे, तो जिनवाणी पढ़ेंगे, खाली बैठेंगे तो पाठ करेंगे। भाई जी, खाली बैठने का समय कब है, हैं अतिशय बेटा, जिसको आगे बढ़ने की पढ़ने की ललक है उसके पास समय ही नहीं है। सही है कि नहीं अपरमेश सागर जी, बताओ सुबह की कब आपकी रात होती पता ही नहीं, इसीलिए आप बाहर नहीं हो, अपने में हो। अगर भाई जी इस सारी कक्षाएं बंद हो जाएं, दोपहर के प्रवचन समाप्त, तो क्या होगा सहज सागर जी, बोलो, सब दाल रोटी और लचका लपटा की चर्चा होगी। महाराज जी हमें तो देखा ही नहीं हो, कितनी मेहनत से तो कड़ी बनाई थी हमने आज, बेई चर्चाएं होंगी, फिर होंगी कि नहीं, फिर दुनिया के विकल्प लेकर के लोग आएंगे छोटू, सत्य है कि नहीं। तुम्हें पता है कि महाराज के पास समय है ही नहीं, सो तुम्हारे आते ही नहीं हो तुम विकल्प लेकर के, है कि नहीं। बस बी कथा से बचो, दुश्रुति ये अशुभ उपयोग है। अब अशुभ उपयोग में लीन हो तो तुम्हारी भाषा भी कैसी निकलेगी। नितिन हम श्रद्धा समाप्त नहीं कर रहे, हम आपको ये बताना चाहते हैं भाई सत्य क्या है। आज तक तुम हुआ हुआ में जी रहे मेरे भाई, हुआ हुआ में जी रहे हो, सत्य कुछ और है। अच्छा पंचकणक में जाते नितिन, तुमको पता है ये क्रिया गलत है, इस मूर्ति को प्रतिष्ठित होना ही नहीं चाहिए, फिर भी दबाव बस संस्कार दे रहे हो ना, गलत है कि नहीं। बाकी ओम शांति, गलत है सो गलत है भाई जी। अभी तुम्हारा पंचकणक तो है दो मंगलगिरी का, बहुत से लोग बोलेंगे पता क्या कांच की प्रतिमाएं हैं। सुनना भाई जी, फिर भी विकल्प नहीं करना, क्यों, जिनकी आंख कांच की है उनको कांच ही दिखेगा,
सुन रहे भाई जी, जिनकी कांच की आंख है उनको कांच ही दिखेगा। नहीं आप तो निसंकित हो। देखो भाई जी, अपन ऐसे आदमी हैं जो होने वाला पहले बता देते। हम सिद्धार्थ है ना अपना, हमने उससे पहले ही कहा था भैया तू डेली तो प्रवचन में आ रहा है लेकिन लोग तुझे यही बोलेंगे, महाराज तुझे अपना बनाने के लिए बोल रहे हैं। ये सब भी सत्य कि नहीं? अपन भाई पहले बता देते क्या होने वाला है। सुन रहे मधुर, चातुर्मास के बाद तुम्हारे पास भी 3-4 लोग पहुंचेंगे, देख लेना। जब कोई तुम्हारे कानों में गुरुओं के लिए कुछ अशुभ कहे, समझना नारायण नारद जी आ चुके हैं, सावधान। भाई जी तुरंत अपने आपके पास कोई नहीं पहुंचेगा, उनको पता है जो वज्र के हैं कहीं अपन को और ना निपटा दे, तुम्हारे पास आते ही नहीं है। ऋषभ भैया नारायण नारायण ऐसे नारद लोगों से बच के रहना। लेकिन अपन तो ठोकर खा के ठोस हुए हैं। जिनके प्रति भाई जी पहले हमारी असीम श्रद्धा थी, मुनि बनने के बाद मालूम चला हम भी हुआ हुआ में हैं, काय में पता ही नहीं है कि क्या हुआ। दुश्रुति में गए तो तुम भी कथा में हुआ हुआ करोगे। बोलो नितिन, हम आपको आचार्य श्री के स्मरण सुनाते हैं अभी डेली प्रतिदिन, कितने दिन तक सुनोगे ईमानदारी से बोलना, कितने दिन तक? बोई बोई हैं? कब तक सुन पाओगे? फिर एक दिन तुम जरूर बोलोगे महाराज जी कुछ ऐसा भी तो बताओ कि हम लोगों के जीवन में भी ऐसी घटनाएं हों। आदि पुराण पढ़ने में कोई दोष नहीं है, स्मरण ग्रंथ पढ़ने में कोई दोष नहीं है, लेकिन वो ग्रंथ क्यों पढ़े जा रहे हैं, हमारे ऊपर भी ऐसा पुराण लिखा जाए। इसीलिए लोग ये बताते नहीं है कि क्यों लिख रहे हैं, बस उस उद्देश्य को भी सफल करो। भाई जी विषय कसाओ गाड़ो दुस्सुदी दुचित्त। ये मोबाइल में हो क्या रहा है आजकल आपके पेपर के साथ साथ? दुश्रुति, भाई जी घटनाएं तो पहले भी होती थी, पहले मोबाइल नहीं था तो इतने विकल्प समाज में नहीं थे। अब मोबाइल है सो विकल्प संकल्प बढ़ते जा रहे हैं। बोलो नितिन सत्य है कि नहीं? इसलिए भाई अपन तो बिल्कुल एंटी हैं इस मामले में, किसी भी कीमत पे कि मोबाइल तो भाई जी व्रतियों के पास होने ही नहीं चाहिए। व्रती प्रतिमाधारी से प्रारंभ होना चाहिए। आचार्यों को तो नियम भी देना चाहिए, भैया सिर्फ परिवार में फोन लगाने की छूट, बाकी सबका त्याग, न व्हाट्सएप न फेसबुक। क्योंकि हम व्रती बने क्यों हैं? क्यों बने नितिन व्रती? व्रती महाव्रती आत्मकल्याण के लिए बने हैं, हाँ कि ना? बोलो भाई जी, आपको हम कहीं घूमते मिल जाएं पहाड़ों पे, तो आप क्या बोलोगे? अरे यार इतना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्यों सहसागर जी? अपन भी तो कर्नाटक घूमे हैं लेकिन सिर्फ जिनालयों की वंदना की है हमने, प्राकृतिक सौंदर्य नहीं, हमने आत्म सौंदर्य को देखने के लिए बिहार किया था। बोलो सहसागर जी कितने मंदिर मिले? ऐसे ऐसे जिनालयों के दर्शन हुए, प्रतिमाओं के, आज भी वो मुखमंडल है भाई जी आंखों में आज भी है। क्या दिव्य छवि थी भगवान की, क्यों सहसागर जी?
हंस हो गए हैं, मर्क्यूरी। भाई जी, विश्व का सबसे प्राचीन मानस्तंभ कहाँ है? दूसरी सदी का है। मर हंस हो गए, मर्क्यूरी, मेलगी, एक कर्नाटक में जगह है मेलगी, कुंदाद्री के पास में, दूसरी सदी का मानस्तंभ है। देखने लायक, अद्भुत है, वहां कोई नहीं देखने वाला, रख रखाव कुछ नहीं है आर्कियोलॉजी के अंदर में, लेकिन अपना तो है, देखने लायक है। भाई जी, ऐसा गमन हो सुगमन करो। अभी चातुर्मास के बाद द्रोणगिरी जाएंगे अपन, चलोगे भाई जी? फिर वहां से लौट के पंचगणा करके फिर अपन 700 तीर्थ सम्मेलन से कर जाएंगे। वो एक एक कदम पर निर्जरा किस बात की हो रही है? एक एक कदम पर किस बात की निर्जरा हो रही है? हमें सिद्धों की भूमि को छूना है। इसलिए नितिन भाई, मोबाइल तो दुश्रुति का खजाना है। हाँ भाई जी, वो आप सदुपयोग करो ना। सोनोग्राफी मशीन खराब नहीं है, उससे रोगों के लिए तो आप खोज करो, आप उससे भ्रूण हत्या मत करो। मोबाइल भी सदुपयोग करो तो स्वीकार है। आप प्रवचन सुनो, जिन वाणी का, जिन शासन का प्रचार प्रसार करो, खूब करो। आप फेसबुक व्हाट्सएप में क्या चलता है भाई जी? गुरु कम और भगवान जाने कौन कौन से चित्र दिखते हैं लोगों को। देखिए, वो आपके अंदर की श्रद्धा का विषय है। आप सम्यक दृष्टि होना, उनका स्थितिकरण करो। नहीं हो सो माध्य सोके किनारे हो जाओ। उनकी फोटो खींच के मत भेज देना कि देखो मोबाइल चला रहे हैं। जब पेपर नहीं पढ़ सकते तो मोबाइल कैसे रख सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन भैया हम नहीं चलाते हैं, सो हमारे पास आ जाना। क्यों कह रहे हम? एक तो महान पंडित मिले भाई जी, क्या बोले? हमने ऐसे सीढ़ी से उतर रहे थे, वो चढ़ रहे थे, तो मालूम वो क्या बोले? अब हम पहचानते नहीं ये कौन है, जानते नहीं है, हम नमस्कार कैसे कर ले? क्या कर सकते हैं भाई जी? भाई जी, हम समझ गए, अभव्य जीव की ऐसी ही परिणति है, क्या कर सकते हैं? कोई बात नहीं, फिर भी अपन समझ तो गए थे सहसागर उस समय कि अज्ञानी ज्ञानी है। नितिन, अपन तो ऐसे पर वहीं रुक के 2 मिनट देखते हैं और उसको, जैसे मंदिर जाते ना, सो कोई बहुत सारे लोग नमस्कार नहीं करते। भाई जी, वो हमें सोनगढ़ी लोग पसंद हैं। कम से कम हम अभी गए थे मंदिर आज आहार के बाद, सो वहां जितने लोग माताएं बैठी थी दर्शन कर रही थी, लेकिन भाई जी तुम्हारे दिगंबर जिनालयों की क्या स्थिति है कि गुरुओं के लिए हाथ नहीं जोड़ रहे लोग। सुनो नितिन, ऐसे लोगों का उपयोग कौन सा है? अशुभ उपयोग है, चारित्र नहीं है। भाई जी, ये जो हम कह रहे हैं ना, आने वाले समय में ये स्वयं के पैरों में कुठारा घात है। स्वयं के पैरों में ऋषभ भाई, एक बालक छोटा है और नितिन तेरा माना की तरह बालक है, मधुर छोटा है, आपने उसको सिखा दिया जो भी घर के सामने से निकले उसको गाली देना, उसके ऊपर थूक देना, ठीक? सो जो भी निकले सो गाली दे उसको वो और थूक दे। लोगों ने उस गली से निकलना बंद कर दिया, लेकिन उसकी थूकने और गाली देने की आदत हो गई ना, अब क्या होगा? अब वो क्या करेगा? अब वो तुम्हारे को ही गाली देगा भाई, और तुम्हारे ऊपर ही थूकेगा। भाई जी, व्यवस्था आगम की बहुत बढ़िया है। दुष्ट चित्त
जो देव सास गुरु में देव सास गुरु की कल्पना नहीं हो रही है आपसे, ये दुष्ट चित्त है। और कुदेव आदि में देव आदि की कल्पना हो रही है, वो भी दुष्ट चित्त है। समय विचित्र चल रहा है अतिशय। आजकल बताना पड़ता है भैया सबको, भैया महाराजों को नमस्कार करो। पहले बोलते थे कुदेवों को मत मानो, आज कहना पड़ रहा है कि भैया देवों को ही मान लो, गुरुओं को मान लो। सत्य है, फिर भी सुन बेटा अतिशय, ये विकल्प नहीं करना। देख भाई, मेरे अंदर भेदभाव होता तो तेरे चौके में आहार नहीं होते। देखो भाई जी, हमारे अंदर भेदभाव होता तो उस बच्चे के आहार नहीं होते। हाँ, भेद विज्ञान है इसलिए हो गए। सुन बेटा अतिशय, नमो लो सब सगुणम वाले होना, अपनी संस्था में साधु आए तो सेवा करना, क्योंकि हम तो रत्नत्र और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सारा उपक्रम कर रहे हैं। कोई भी साधु आए तुम तो भक्ति सेवा में ली नहीं रहना, बिल्कुल पहले से ही हो बना के रखना बेटा। किसी के कहने पे मत जाना, तुम हुआ हुआ में चले गए तो तुम्हारा हुआ बन जाएगा, कोई हल नहीं होगा तुम्हारा हलुआ बन जाएगा, ध्यान रखना। और आखिरी में कह रहे भाई जी, दुष्ट गोष्ठी, दुष्ट गोष्ठी जो दो, दुष्ट गोष्ठी ऐसे लोगों की गोष्ठी में बैठना जहां पर मन वचन का है आपका विचलित हो पीयूष, ऐसे लोगों के पास बैठना ही नहीं, तर्क वितर्क कुतर्क चर्चा करनी नहीं, विशुद्धि घटती की नहीं। माना कि किसी ने आपसे हमारी निंदा कर दी, आपने उसको सही तर्क दिया, वो शब्द आज भी दिमाग में गूंज रहे कि नहीं है, वो शब्द आज भी गूंज रहे कि नहीं है, दिन समय स्थान देख विशुद्धि घटती कि नहीं, ऐसे लोगों की गोष्ठी में बैठना ही नहीं है। भैया आप सामूहिक नरक में गोष्ठी करो, हमें आपके साथ गोष्ठी करना ही नहीं है। और भगवान से प्रार्थना करना इनके नगर बस जाएं, नहीं अलग नहीं, कहीं भी बन जाएं, इनके नगर बस जाएं, ताकि गुड्डा भाई ये एक साथ बैठे, जो बेचारे स्वच्छ लोग हैं उनको गंदा तो ना करें। समझ रहे भाई जी, अपन तो भाई जी गुरु की शिक्षा पर चलने वालों में से हैं, क्यों परमेश्वर जी दुष्ट गोष्ठी न की न करेंगे। इसलिए भाई जी हमें बोलना ही नहीं पड़ता कि सहज सागर जी पेपर मत पढ़ो, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है। हमें बोलना ही नहीं पड़ता कि अपरमित सागर जी ये दुश्रुति मत पढ़ो, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है। क्यों भैया, समय कहाँ है? वो तो यही बोल रहे हैं कि जितने ग्रंथ अभी पास में हैं यही पढ़ ले सो जीवन निकल जाए, बहुत बड़ी बात है। और कह रहे हैं उग्र तथा उन मार्ग में तत्पर जो हैं, ऐसे जीव अशुभ उपयोग में हैं। प्रत्येक समय ऐसी मोहें चढ़ी रहे, आंखें चढ़ी रहे, मतलब गुस्से में हो, नहीं देखे भाई जी ऐसे लोग, पीयूष ऐसे लोग देखे कि नहीं, मतलब कुछ भी पूछोगे सुबह टूट पड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। क्यों भैया, अपरमेश्वर जी जय जय हनुमान है, सही है कि नहीं? आप कुछ भी चर्चा कर लो अट्टू, उनका जवाब उग्र ही रहेगा। जब उग्र ही रहेगा तो ऐसे लोगों से क्यों बोले जो उन्मार्ग में तत्पर हैं, ऐसे लोगों से हम क्यों बोले भैया आपकी देवगति होनी है वो मेरी नहीं होनी है, इसलिए तुम्हारा रास्ता अलग है, जो बीत मुई मुनियों की हुई है वो गति मुझे करना है, इसलिए मेरा रास्ता अलग है। समझ रहे गुड्डा भाई, कमल के समान रहना तुम अपनी कॉलोनी में। ये अरे हंस रहे पीयूष तुम,
डरने की क्या बात है इसमें हैं भैया? क्षेत्र खराब नहीं है, वहां तो जिनालय भी है, क्षेत्र खराब नहीं है, मार्ग लुटेरा नहीं है, ना पंते मुसंते के ही, ना वहां के जीव खराब हैं, वो तो सब भगवान आत्मा है। हाँ, जो कसाय है वो खराब है। जीवों को आप हे नहीं कह सकते हो, जीव कभी हे नहीं होता, प्रत्येक जीव त्रैकालिक सिद्ध बनने की शक्ति से संयुक्त है। अंजन चोर जैसे जीव निरंजन हुए कि नहीं, वही सिंह का जीव जिसने मांस खाया था वही महावीर बना कि नहीं? जीव खराब नहीं है, कसाय खराब है भाई जी। बस समय क्या पता भाई जी कब घंटी बज जाए, कब ओम नमः सिद्धिभ्या। सुन रहे बेटा अतिशय, अपने को पता तो नहीं कि अपनी आयु कितनी है, कब आयु बंद का समय आ जाए, तुम्हारी दुर्गति हो जाए भाई जी। लेकिन जब कसाय का राग का तीव्र उदय आता है ना, तब ना गुरु दिखते हैं, ना प्रभु, ना परमात्मा, ना माता, ना पिता, फिर उस समय कुछ नहीं दिखता। बोल अट्टू सत्य कि नहीं? जब तीव्र कसाय में होता है व्यक्ति तो उसको गुरु भी नहीं दिखते हैं। हाँ, जब मंद होती है तब उसको सब समझ में आता है। कभी गुस्सा ही नहीं आई पीयूष, उस समय कुछ नहीं दिखता। जब काम कसाय सताए, माया मान कसाय समाए, क्रोध कसाय समाए सताए, उस समय गुरु प्रभु कुछ नहीं दिखते। बस तुमको तो कसाय की पूर्ति का भाव रहता है। बोलो रे सब भाई सत्य कि नहीं? ये सब अशुभ उपयोग है, इसके विपरीत जो कुछ है वो चारित्र के लिए उपादेय भूत शुभ उपयोग है। अब गुड्डा भाई जितना शुभ उपयोग करना है कर लो। ऐसे भी लोग हैं पीयूष, ऐसे भी लोग हैं, तुम जिनालय बनवाओगे तो वो वहां पर केस करेंगे, कौन सा काम तुम्हारा रुक जाए, है कि नहीं? आप विधान करो, पंचकरण करो और बड़ी बड़ी सभाओं में प्रवचन करवाओ, वो उसमें विघ्न करेंगे। और ऐसे भी जीव हैं वो सहयोग करेंगे। सुन रहे भाई जी, उपयोग की धारा है, उपयोग अशुभ है, सो चारित्र का लेस मात्र भी तुम्हारे पास नहीं है। कपड़े उतरे हैं, कसाए नहीं उतरी हैं भाई जी। कपड़े उतरे हैं, कसाए नहीं उतरी हैं, और कसाए नहीं उतरी हैं, सो कपड़े उतारना भी व्यर्थ है भाई जी। को तो एक ही बात का विकल्प चल रहा है अभी, बोले हम सुबह से संडास में जाते हैं तो हमारी प्रतिमाएं कैसे फल रही हैं भाई जी? विकल्प है ना, इसका मतलब छूटेगा। और जिसको विकल्प नहीं है वो मस्त है ना, इसका मतलब कर्म उसको लूटेगा। उस चारित्र की उत्पत्ति, स्थिरता और वृद्धि कैसे हो, इसमें अपना उपयोग लेकर के जाना है भाई जी। उस चारित्र की कैसे करोगी उत्पत्ति? मंद कसाय से, श्रद्धान से। ओ सिंगई जी, बज रहा तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा मोबाइल बज रहा भैया? देखो भाई जी, जैसे इनको मोबाइल की घंटी सुनाई दे रही, का उपयोग वहां नहीं लेकर जा रहे हो। पीयूष को लग रहा है हमारे बच्चों का क्या होगा, गुड्डा भाई को लग रहा है कि हमारे परिवार का क्या होगा। भैया आज आयु कर्म पूर्ण हो गया तब आपके परिवार का क्या होगा बताओ हैं? बस तो अभी यही सोच के चलो हमारे साथ, जो उनके भाग्य में होगा सो होगा। लेकिन पीयूष सोच रहा, भैया अभी तो दिन आए हैं सुख के, अभी कैसे चलें? भैया ये दिन सुख के कब दुख में बदलेंगे कोई निश्चित नहीं है,
चलो साथ में। पिताजी तो पके हुए आम हैं। सो भाई पिल पिल नहीं चाहिए, हमको अच्छे वाले चाहिए, अभी तुम युवा हो कर सकते हो, चलो। ये मत बोलना आचार्य जी दीक्षा ही देंगे, शादीशुदा के लिए वहां एंट्री है, तुम टेंशन मत लो, चलो। क्यों भाई अट्टू क्या देख रहे हो? देख भाई, जीवन का आनंद तब है जब तुम्हारे उपयोग में स्थिरता है, और स्थिरता नहीं है उपयोग में तो तुम्हारा सब कुछ व्यर्थ है भाई जी। इसलिए उपयोग अशुभ से बचेगा, शुभ में जाएगा, तभी तुम्हारे पास चारित्र बचेगा। ये व्यवहार चारित्र है, और भाई जी आज उस निश्चय चारित्र का व्याख्यान कर रहे हैं, गाथा नंबर 46 में, कि कैसे हम उस चारित्र में लीन हो। 13 प्रकार का चारित्र पालन करना ये तो श्रेष्ठ है, लेकिन ऐसे चारित्र में हम क्या वृद्धि करें कि चारित्र धारण ही ना करना पड़े। गाथा नंबर 46 भाई जी, बहिरभ्यंतर क्रिया रोह भव कारण अपना सठम नानिसजम जिनुत्तम तम परमम समचारितम। यहां कह रहे हैं निश्चय चायत की प्राप्ति के लिए भाई जी भव कारण प्रणाशार्थम, संसार के कारणों का नाश करने के लिए भव कारण, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं भाई जी। ये गाथा अपने मन से नहीं लिखी है, पूज्य पाद स्वामी की सर्वार्थ सिद्धि की टीका का सूत्र है। संसार कारण निवृत्ति क्रियोपरम चारित्रम, संसार के कारणभूत नाशों कर, संसार के कारणों का नाश करने के लिए ज्ञानी जीव के बहिर और अभ्यंतर क्रिया का रोध निरोध, बहिरंग और अभ्यंतर क्रिया का जो निरोध है वही निश्चय चारित्र है। ना बहिरंग क्रिया ना अंतरंग क्रिया, सारी क्रियाओं की समाप्ति वही चारित्र है, निश्चय चारित्र। लेकिन भाई जी पहले आटा होता कि रोटी, सीधी रोटी नहीं बनती, क्यों दीपक सीधी रोटी नहीं बनती है? नहीं बनती। जिस दिन सीधी रोटी बन जाएगी, किससे? एक बीज ले लो यहां रख दो और भाई जी उससे बढ़िया धना धन रोटी निकलना चालू हो जाए, उसी दिन बिना व्यवहार के निश्चय चारित्र हो जाएगा। बिना व्यवहार के निश्चय नहीं होता, और निश्चय की प्राप्ति व्यवहार के अवलंबन से होती है, व्यवहार की प्राप्ति आपके सामान्य से होती है। सुनो गुड्डा भाई, बहिरंग और अंतरंग दोनों कारणों का नाश करो, जो आपके बहिरंग अंतरंग क्रियाओं के निरोध है उसकी प्रयास करो। एक मिनट का कायोसर कर सकते कि नहीं, एक सेकंड का कायोसर कर सकते कि नहीं? ऋषभ भैया, आनंद भाई ऐसे बैठ जाओ, आंख खोले रहो, एक मिनट के लिए अपने शरीर से ममत्व का त्याग कर दो। एक मिनट तक मैं अपना हाथ नहीं हिलाऊंगा मधुर, न मुंडी हिलाऊंगा, न कुछ करूंगा, एक मिनट तक। एक मिनट भी भाई जी आपने किया तो आपने बहिरंग क्रिया को रोका कि नहीं? अंतरंग में चित्त चलायमान है लेकिन बहिरंग की क्रिया रुक रही कि नहीं? मां यही तो आपके लिए निश्चय चारित्र की ओर लेके जाएगा भाई जी। निश्चय चारित्र की प्राप्ति बिना व्यवहार चारित्र के नहीं होगी।
सुन रहे भाई जी, बिना व्यवहार के नहीं होगी। भले ही जब व्युत्सर्ग किए, कायसर किए, प्रतिमा योग लिए हैं, उस समय ना बोल रहे, ना चल रहे, ना कुछ कर रहे, ना समितियों का पालन कर रहे हैं, ना ही किसी महाव्रत में लीन है, वो सिर्फ अपने में लीन है, उस समय भी व्यवहार चारित्र है। मधुर हो गए एक मिनट, कुछ लगा तुम्हारा, कुछ पास से लगा टका क्या? इतनी देर कायसर किया, कर्म कटे हैं, कर्म बड़े नहीं हैं। अपन तो कारण बता रहे हैं इन दिन, जिनको स्वीकारना स्वीकारो, नहीं स्वीकारना मत स्वीकारो। जम रुचे तम चेव कुज्जा, जैसा रुचे वैसा करो। गुड्डा भाई, जैसा रुचे वैसा करो। भैया तपसा निर्जराचा, तप से ही निर्जरा होती है। ये व्रत समुति गुप्तियों संबर होता है। अनसन अवोधर वित्ती प्रसंग रस परित्याग विविध सियासन काय क्लेशम। सहज सागर जी भाई, तब बोले जरा, अनसन अमौदर्य वित्ती प्रसंख्यान रस परित्याग विविध सियासन काय क्लेश बहिरंग तप। अब आ जाओ अंतरंग तक पे। प्रायश्चित विनय भैया वृत्ति व्युत्सर्ग स्वाध्याय ध्यानन कितने हो गए? प्रायश्चित विनय भैया वृत्ति स्वाध्याय व्युत्सर्ग और ध्यान, ये छह बहिरंग तप, यही तो निर्जरा का साधन है। क्या निर्जरा कोई अलग से थोड़ना आती है भाई जी? करना पड़ती है, साधन है, आप करते नहीं हो। साधन है आप करते नहीं हो। अट्टू, तुम्हारे पास साधन है, तुम प्रमाद के कारण व्यापार करते नहीं हो। बोलो हाँ कि ना। 5 साल आपने पढ़ाई कर ली, क्या निकला उसका साधन? ईमानदारी से बोलना। कोई ज्ञान नहीं मिला सहज सागर जी, बल्कि 6 उपशम का दुरुपयोग हुआ है और पुण्य भी 6 हुआ है। बोल सत्य कि नहीं अट्टू? देख भाई, हम भी पढ़े हैं, लेकिन आपके जैसा नहीं पढ़े हम। हमने भी पढ़ाई करी भैया, आपके जैसी नहीं कर पाए हम। उस समय भी पिताजी के साथ व्यापार कर सकते थे कि नहीं? आपके व्यापार से मतलब नहीं है सहज सागर जी, जितने समय आपकी बहिरंग अंतरंग क्रियाएं चल रही हैं, उस समय भी आप शुभ उपयोग का, शुद्ध उपयोग का व्यापार कर सकते कि नहीं? हमारा विषय ये है। और जब इन दोनों उपयोगों का निरोध कर दोगे, बहिरंग अंतरंग दोनों क्रियाओं का पूर्ण रूप से निरोध कर दोगे, तब जाकर के निश्चय चारित्र मिलेगा। लेकिन अभी निश्चय चारित्र तो है नहीं आपके पास, लेकिन व्यवहार चारित्र तो पाल सकते हो कि नहीं? क्यों अट्टू? बहुत सारे बच्चे जो IIT की पढ़ाई करते हैं, वो गर्मियों की छुट्टी में कहीं खेलने नहीं जाते, वो क्या करते हैं? काय की पढ़ाई करते हैं। भाई जी, 12वीं कक्षा की पढ़ाई 9वीं कक्षा में कंप्लीट करके रख देता है और अपने IIT की तैयारी करना चालू कर देता है। क्यों? उसको कुछ और करना है, समय व्यर्थ नहीं करना है, हमें कुछ और करना है। पीयूष भाई, समय व्यर्थ नहीं करना है, समय किंचित भी व्यर्थ नहीं करना है। नहीं बैठे रहो तुम, टेंशन नहीं लो। अरे भाई बैठे रहो, जीन्स के कारण तुम्हें तकलीफ हो रही है, फिर भी तुम जीन्स पहनोगे। मानो धोती में बैठो तुम, क्यों अट्टू? धोती में कितना फ्री रहते हो, कैसे ही खींच लो, कैसे ही कर लो। भाई जी को देखो ना, वो ही पैर फैलाए बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम बैठ जाओ तो मानते हैं ऐसे। अभी भाई ये तुम्हारी क्रियाओं में रोधक है, अवरोधक है। रुद्ध धातु हिंसा अर्थ में होती है, ये तुम्हारे लिए रोक रही है। पहले चलते थे पजामे,
इतने बड़े कि तुम ही पूरे घुस जाओ एक पैर में हैं। अब ऐसे दिखते चलते हैं कि एक ही पैर बड़ी मुश्किल से घुस जाए। भाई जी नहीं देखा, सुनो 15 मिनट लगते घुसेड़ने में, आदमी कहीं सोफे में टिकता कहीं बिस्तर में टिकता, घुस जाए बस एक बार, और घुस गया तो हाँ चलो घुस गया है भैया, घुस नहीं गया है, तुम्हारी पूरी शरीर की शक्ति गई है। अब देखना भाई जी, ना बेचारा उठ पाए ना बैठ पाए, शरीर ऐसा अकड़ जाता है बेचारे का, महाराज के दर्शन भी कर तो बैठे नहीं पाए। पीयूष पैंट पहनना चालू करो हैं? मंदिर में नहीं चलते हाफ पैंट हाफ पैंट। पीयूष भाई हम बता रहे हैं आपको, शरीर में और मस्तिष्क में शीतलता रहेगी, शरीर में और मस्तिष्क में शीतलता रहेगी। जो टोपी पहनते ना टोपी, उससे आप एकाग्रता को प्राप्त होते हो। ये जो बहिरंग वस्त्र आदि हैं, ये भी आपके अंतरंग में साधन बनेंगे। इतनी गर्मी लग रही है अशोक भाई, इतनी गर्मी लग रही है, बताओ भाई गुरु तुम्हारे जीवन भर रह सकते हैं, तुम 15 मिनट नहीं रह सकते पंखे के बिना हैं? क्या हो जाता है? तो ग्रस्त हो तो क्यों कर्मों त्रस्त हो, बंद करो उसको। पीयूष भाई हमारी बात मानना, तुम 5 जोड़ी तुम पैंट सिलवाओ ठीक, हमें तुम्हारे पैंट से मतलब नहीं है, पैंट सिलवाओ और एकदम टाइट नहीं थोड़े लूज, उसमें और इन जीन्स में तुमको देखना चलने में फिरने उठने में जमीन आसमान का अंतर। बोलो अट्टू, अट्टू तो बोल रहा हमारे पास अभी रेडी है, हम बता रहे जी जी डिजाइन ले लो सिलवा के हम भिजवा देंगे। सुनो अट्टू बोल ईमानदारी से बोल, कंफर्टेबल क्या है, है? अरे ट्राउजर कंफर्टेबल है, पैंट कंफर्टेबल है, अरे वो भी उतार दो तो क्या कंफर्टेबल है, देखो ना क्या आनंद है। ईमानदारी से बोलो, बिहार में तुम जीन्स पहन के चलो तो कैसा लगता है कि आत्मा फंस गई है, और धोती पहनो तो थोड़ी सा रिलैक्स, और पूरे उतार दो तो आहा क्या आनंद है प्रकृति के साथ। लेकिन भाई जी बहुत कठिन है, सरल नहीं है अतिशय, उनके लिए सरल है जिनको वैराग्य है, उनके लिए बहुत कठिन है जिनको विषयों से राग है। मार्ग तो सरल ही है, जीव के भाव बनना कठिन है। नहीं तो तुम्हारा आर्यन है ना वो दीक्षा ले ले, लेकिन वो क्या करे, बस उसको तो 2-3 चीज दिखती हैं, मोबाइल खोलो कैमरा घुमा लो और लैपटॉप हिला लो, मजाक इसमें मजाक की क्या बात है भाई जी, सत्य है। दुनिया में कोई भी कार्य कठिन नहीं है, कठिन है निर्णय लेना। पीयूष शादी का निर्णय कठिन था, कठिन था कि शादी करना कठिन था, निर्वाह की बात नहीं चल रही अभी हैं, निर्णय लेना कठिन था फिर उसके बाद अब तो चल ही रही है। सो निर्णय लेना कठिन है, कार्य बहुत सरल है भाई नितिन भाई, निर्णय कठिन है बोल दो हाओ नहीं है। इतनी देर अशोक भाई सोचते रहे कि करें कि नहीं करें कि नहीं, बंद कर दिया तो बैठे कि नहीं, निर्णय लेना कठिन है, कार्य करना सरल है। अंतरंग बहिरंग दोनों क्रियाओं के निरोध को मुझे करना है, ऐसा निर्णय लेना कठिन है, कार्य सरल है। भाई जी कार्य सरल है, निर्णय लेना कठिन है। कुछ नहीं तुम तो ठान लो करना है सो करना है, कौन रोक रहा तुम्हारे लिए, कितनी उम्र हो गई तुम्हारी भैया, इतने में आचार्य जी की दीक्षा हो गई थी 17 साल में छुल्लक बन गए थे आचार्य श्री, बिल्कुल ऐसे ही थे 17 में छुल्लक बन गए, दाढ़ी भी नहीं थी बेटा। निर्णय कठिन है, हमने पूछा आचार्य जी इतनी जल्दी क्यों दीक्षा लिया आपने, 2-4 साल रुक जाते
बोली हर 6 महीने में 2 महीने में घर के लोग ले जाएं, अपन ने कहा निपटाओ, अब ले जाओ, अब नहीं ले जा रहे, बोले आप तो वहीं रहो, कौन संभालेगा। मधुर निर्णय कठिन है, कार्य सरल है। बोल, उस समय बोलियां लग रही थी, तब मन ऐसा 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 था, जब निर्णय ले लिया कि बोली लेना है, सो कार्य अब सरल है। पीयूष भाई अब बताओ, शादी हो गई, अब सब सामान्य चल रहा कि नहीं चल रहा है? पहले लग रहा था क्या करेंगे, क्या नहीं होगा। माँ जब भाव बनाते हो आप संतान को जन्म देने के, तब निर्णय कठिन होता कि नहीं? और उसके बाद जब संतान गर्भ में आ गई तो सब हो जाता है फिर? भाई जी, बहिरंग अंतरंग क्रियाओं का निरोध करो, यही आपके लिए सम्यक उपदेश है, निश्चय चारित्र यही है। कुछ ना करना ही सब कुछ है। फिर भी अपरमित सागर जी, आज अपने को बहुत कुछ करना है ताकि कल कुछ ना करना पड़े। आज भाई जी बहुत कुछ करना है ताकि कल कुछ ना करना पड़े। सिद्धों के साथ जाने के लिए अभी कर लो तुम जितना अभ्यास करना है ताकि कल कुछ ना करना पड़े। ओ भैया सह सागर जी, यही सोच के हम लेके लगे रहते थे कार्यतंत्र में कि अभी कर लो 5 साल मेहनत, फिर मेहनत ना करना पड़े। तो अपरमित सागर जी का मैं कट मार रहे थे कल, पता क्या बोल रहे थे? बोले इनको काहे की टेंशन है, एक दो शब्द पकड़ लेंगे और पूरे प्रवचन कर लेंगे। बोल रहे थे कि नहीं? हाउस बोल रहे थे कि नहीं? भैया तैयारी कर लो ना। अपरमित सागर जी आपको तो हमसे ज्यादा याद है भैया। सुनो अट्टू, इन्हें समय सार रटा है, एक इनकी किताब है उसका नाम था नाण कुंजी, उसमें भगवान जाने कितनी गाथाएं थी। मधुर भाई एक एक दिन में 50-50 श्लोक याद किए उनने, कितने? एक दिन में ग्रंथ खत्म, ज्ञान अंकुश ग्रंथ उठाया खत्म। भाई जी इतना तो अपन ने नहीं पढ़ पाए ईमानदारी से। हाँ वो 50 श्लोकों पे 500 दिन प्रवचन कर सकते हैं। गुणों की वृद्धि आपके ही द्वारा है और आपके ही हाथ में है। बोलो अट्टू है कि नहीं? अट्टू ईमानदारी से बोलना, हम भजन गाएं और ये भजन गाएं, अच्छा किसका लगेगा? ईमानदारी, झूठ नहीं बोलना भाई हैं? और हम गाएंगे भाई जी तो अगले दिन से आप बोलोगे महाराज जी आप तो प्रवचन करो, भजन नहीं सुन पाएंगे आपके हम। सत्य है, और कहीं सहज सागर ने चालू कर दिया सो कटरा पूरा कट जाएगा। क्यों सहज सागर जी? वो गुण उनके पास है, सुनो नितिन, लेकिन उस गुण को देख करके ईर्षा नहीं करना, अनुमोद ना करना। हम तीनों में कहीं विकल्प क्यों नहीं है? क्योंकि अनुमोद ना चल रही है, किसी के अंदर विकल्प नहीं है, ईर्षा नहीं है। और जिस दिन ओ भैया, जिस दिन अपने बीच में ईर्षा आ गई ना, सो आप मिलोगे सागर में, एक मिलेंगे द्रोणगिरी में, एक मिलेंगे सायगढ़ में। अरे अलग अलग कमरे में रह रहे हैं भाई जी, इसका मतलब एकता नहीं है, बात खत्म। पीयूष साधु अलग अलग कमरे में रुके इसका मतलब एकता नहीं है। अरे इसका ये मतलब नहीं कि तुम बड़े संघ में मान लो 4 कमरे में रुके तो भैया एक के ऊपर थोड़ा सोएंगे, जगह नहीं है सो क्या करेंगे भाई जी। फिर भी वर्धमान कॉलोनी में कितना कमरा था तो भी अपन एक ही साथ थे। सहसा जी तो बेंगलोर में कितना बड़ा कक्ष था तो भी अपन एक साथ रुके थे। इंदौर में कितना कक्ष था प्रमित सागर जी? भिलाई में कितना कक्ष था? फिर भी भाई जी एक साथ, क्योंकि अनुमोदना के परिणाम है, ईर्ष्या के नहीं है। और जो संग में एक साथ नहीं रह पाएंगे वो कभी बाहर भी एक साथ नहीं रह पाएंगे। जो यहां नहीं मिल पाएंगे भाई जी वो ऊपर क्या मिल पाएंगे। नितिन समय हो गया है, बहिरंग अंतरंग दोनों क्रियाओं का निरोध का अभ्यास करो। श्रावक भी चारित्र का अभ्यास कर सकता है, गुप्तियों का समिति का अभ्यास कर सकता है, उसमें कोई दोष नहीं है। अभ्यास में कहीं दोष है? कोई दोष नहीं है भाई जी।
छोटे में बच्चे लोग क्या करते हैं, ऐसे ऊपर बांधते रस्सी और नीचे लटकाते हैं बॉल, क्या करते हैं लट्टू, फिर एक बार चालू करते हैं सुबह ही बॉल घुमा घुमा के वो खेलते रहते हैं, उसमें क्या दोष है? बोल बोल, उसमें क्या दोष है? अभ्यास में कहीं दोष नहीं है। दोष कब है? तुम चल पड़े हो सब गिरना नहीं। निश्चय चारित्र की व्याख्या कल अपन और यहां आगे विचार करेंगे, निश्चय चारित्र से ध्यान की ओर चलेंगे। अंतरंग बहिरंग दोनों क्रियाओं को, मन वचन काय के योगों को, अंतरंग से बहिरंग से कैसे हम उनका निरोध करें, ये निश्चय चारित्र है। उसकी प्राप्ति का भाव बनाओ भाई जी, भाव तो बना ही लो। एक दिन ऐसा आए कि हम भी योग निरोध करें और सीधा सिद्ध शिला में मिले। भाव बनाने में क्या जा रहा है? भाव तो है ही, बस अशोक भाई भाव तो है ही, लेकिन हम संचालन ही करेंगे, मुनि नहीं बनेंगे। हैं भैया बहुत समय हो गया है, अब चलो कटरा में बहुत कर्म काट लिए, अब मुनि बन के कर्म काटो भाई जी। मां जितना हो सके उतना निरोध करें बहिरंग और अंतरंग की क्रियाओं का, बाकी कल पुनः चर्चा करेंगे। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरु अरविंद सागर जी महाराज की।